उम्र मात्र 41 वर्ष थी। पूरे देश में उन्हें बड़ी बड़ी जनसभाओं में मान पत्र भेंट किए जाते थे। 1900 में कुछ बातों का मैंने जानबूझ के उल्लेख किया है बाबा साहब के व्यक्तित्व के बारे में कि 1942 में मुंबई में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और अन्य 45 संस्थाओं ने मिलकर उनका जन्म जयंती 110 दिनों तक मनाया था। उन्हें वो अपार स्नेह और सम्मान इसलिए मिलता था क्योंकि उन्होंने सदियों से अशिक्षा और सामाजिक अन्याय के तले दबे कुचले लोगों में आशा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का संचार किया। बाबा साहब ने समाज के वंचित वर्गों में जागृति पैदा करने, उन्हें संगठित करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। बाबा साहब शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, जिसका उल्लेख आज हमारे अजमाल साहब ने भी किया। मुद्दा सामयिक है और बाबा साहब ने तो एक मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित। और उन्होंने जो क्रम दिया था, क्रम को बहुत उसकी ब्यूटी, मतलब क्रम कितना प्रासंगिक है। ही वाज सेइंग फर्स्ट यू गेट योर सेल्फ एजुकेटेड, देन यू थिंक फॉर स्ट्रगल एंड देयर आफ्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी हम उल्टा चल देते हैं, उस पर प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आप सबके फोरम ने इसी मंत्र को अपनाया भी है। मुझे बताया गया है कि इस कंक्लेव में शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी। सही मायने में शिक्षा ही हर व्यक्ति के विकास का मूल आधार होता है। मात्र किताबी शिक्षा पर्याप्त नहीं होती है, शिक्षा एक और होती है जिसको हम कहते हैं दुनियादारी की शिक्षा या व्यवहारिक ज्ञान। वो बहुत जरूरी, उसी शिक्षा के माध्यम से, ये जो दुनियादारी की शिक्षा की मैंने बात की, उसी के माध्यम से इंसान अपने भले और बुरे की पहचान को समझ पाता है। इसलिए वो बहुत जरूरी है। देवी और सज्जनों, महिलाओं के सशक्तिकरण और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को बाबा साहब बहुत महत्व देते थे। सन 1942 के जुलाई महीने में उनके नेतृत्व में आयोजित एक सम्मेलन में, उस समय की बात है 42 की, 75,000 डेलीगेट्स जिन्होंने वो कंक्लेव अटेंड किया था, उसमें 25,000 अर्थात 50% उसमें हमारी बहनें थी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि वो सामाजिक पिरामिड के आधार में स्थित वर्गों की सभा थी, तो ये अंदाज लगाया जा सकता है कि महिलाओं की इतने बड़े पैमाने पर भागीदारी कितनी बड़ी बात थी। उस समय देश में औसतन जो साक्षरता थी वो लगभग 15% थी और महिलाओं की साक्षरता तो उससे भी कम थी। लेकिन ऐसी पृष्ठभूमि में महिलाओं की भागीदारी का जो प्रभावशाली उदाहरण बाबा साहब ने प्रस्तुत किया था, उसे आगे बढ़ाना पूरे समाज और देश का दायित्व, हम सबका भी दायित्व। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, किशोरी योजना, उज्ज्वला योजना और सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसे अनेक कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को शिक्षित, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं, जिनके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। सेक्स रेशियो में भी काफी सुधार हुआ है। जनधन योजना के तहत 17,60,00,000 से भी अधिक महिलाओं ने अपने खाते खोलकर आर्थिक समावेश का नया इतिहास रचा है। इस योजना के तहत आधे से अधिक खाते महिलाओं के, देश के अधिकांश क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने में भी बेटियों और बहनों के जीवन में स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मसम्मान और शिक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव आया। इनमें बहुत बड़ी संख्या उन बेटियों और बहनों की है जो समाज के वंचित वर्गों से आते हैं।
आज जब मैं देश के विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशंस में जाता हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है कि उच्च स्थान और मेडल पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक होती है। ये सभी बदलाव महिलाओं की भागीदारी पर बाबा साहब के विचारों के अनुरूप है। अर्थात यदि हम ये कहें कि जो महिलाओं के आगे लाने में बाबा साहब की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, ये उसी का परिणाम है जो आज हमें देखने को मिलता है। अपने भाषणों में बाबा साहब अक्सर ये संदेश देते थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते थे कि दूसरों की सहायता पर जीना मत सीखो, स्वावलंबी बनो। मैं फिर रिपीट करता हूँ, दूसरों की सहायता पर जीना मत सीखो, स्वावलंबी बनो। और उन्होंने स्वयं भी जो किया था, तो टीचर भी थे, लेक्चरर भी थे, प्रिंसिपल भी थे, और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने स्वयं भी अपनी एक लॉ फर्म की स्थापना की। इसके पीछे एक तो उद्देश्य है, ऐसा नहीं है कि हम कहाँ, अर्थात बाबा साहब की सोच ये थी कि आप अपने पैरों पर जब खड़े हो सकते हैं तभी आप देश को या समाज को एक आप दिशा दे सकते हैं। अर्थात फिर हम भी उसी बेगर की भांति रहेंगे कि दूसरे के सामने हाथ फैलाते रहेंगे अपने हर काम के लिए, तो उस समय आप समाज को जो नेतृत्व देना है वो हम नहीं दे पाएंगे। स्वावलंबी बनाने की दिशा में आज जो सरकार कर रही है उसमें मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और अनुसूचित जाति के उद्यमों के लिए, जिसका कि थावर चंद जी ने भी उल्लेख किया, वेंचर कैपिटल फंड जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका हमें लाभ लेना चाहिए। यदि हम नहीं ले सकते हैं तो दूसरों को जो पीछे छूट गए हैं उनको प्रेरित करना चाहिए कि जो हमें सरकार से लाभ मिल रहे हैं वो लाभ तो हम उठाएं और उससे कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर होगा। मुझे आशा है कि डॉक्टर आम्बेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नौजवानों की प्रतिभा और महत्वाकांक्षा को सरकार साकार रूप देने में सहायता प्रदान की जाती है। आप सबको एक और भी संगठन है डिक्की, जिसका नाम सब लोग जानते हैं। इस संस्था के इन ऐसी संस्थाएं और भी हैं। मेरा आप सबसे आप सबको सुझाव होगा कि ऐसी सभी जो वंचित वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए जो संस्थाएं काम कर रहे हैं उन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन और आपस में समझ करके इंटरेक्शन करके और सबको मिलजुल करके पूरे देश में एक इस प्रकार का अभियान भी चलाएं, अभियान चलाएं। जो हम सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज कम होती जा रही हैं, सब लोग जानते हैं। इस प्रकार से यदि इनके बीच में आप देखेंगे, ये जो हमने जिसका नाम लिया है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो आप सबका सहयोगी है, उनको देखिए, डिक्की के देखिए, कभी संपर्क में आए तो आपको लगेगा कि दे आर डूइंग ए फाइन वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात पर और भी ध्यान देना है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकांश लोगों में अभी भी संवैधानिक अधिकारों, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती। इस संदर्भ में फोरम ऑफ एससी एंड एसटी लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस ऐसी संस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।